Question is the work function of cesium is 2.1 for electron volt. Then we have to find first part threshold frequency for cesium and in second part wavelength of incident light if photocurrent is brought to zero by a stopping potential of 0.60 volt and given value of Planck's constant is 6.63 into 10 h power minus 34 joule second. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है वर्क फंक्शन गिवन है ऑफ सीजियम मेटल का दैट इज टू पॉइंट वन फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमें क्या कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में हमें उसकी थ्रेशल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है एंड इन सेकेंड पार्ट वी नीड टू कैलकुलेट द वेव ऑफ इंसिडेंट लाइट सो वी हैव गिवन वैल्यूज गिवन वर्क फंक्शन W और वी कैन डिनोट विद फाइव नोट यह हमें गिवन है टू पॉइंट वन फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट पार्ट में थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जिसको हम डिनोट करेंगे न्यू थ्रेशोल्ड टी एच और इसको हम न्यू नोट से भी डिनोट कर सकते हैं ये हमें कैलकुलेट करना है तो यह थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है मान लो हमारे पास एक मेटल है मेटल के पास कुछ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर हम इस मेटल के सरफेस पे एक लाइट को इंसिडेंट करें जिसकी एनर्जी है ई इज़ इक्वल टू एच न्यू तो इस एनर्जी के इंसिडेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे विथ एनर्जी लेकिन इसके कंडीशन होगी अगर जो हमारी इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी है वो ग्रेटर होगी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के तभी एमिशन पॉसिबल होगा फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ लेस देन न्यू नॉट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी पॉसिबल और यह होता है हमारे मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन जो कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फॉर एमिशन यूजिंग फॉर्मूला ऑफ वर्क फंक्शन W, विच इज इक्वल टू फाइनोट किसके इक्वल होगा H न्यू नोट और यहां से हम न्यू नोट कैलकुलेट कर लेंगे न्यू नोट विल बी फाइनोट डिवाइड बाय h। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड अब यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हमें पता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन इश माइनस नाइनटीन जूल तो वैल्यूज पुट करेंगे नॉट विल बी टू पॉइंट वन फोर इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू ट माइनस नाइनटीन डिवाइड बाई सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री माइनस थर्टी फोर इसकी यूनिट्स क्या थी जूल एंड जूल सेकेंड जूल से जूल कैंसिल वैल्यू विल बी टू पॉइंट वन फोर इंटू वन पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री और यहाँ पे माइनस नाइन्टीन ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी देन माइनस नाइनटीन प्लस थर्टी फोर विल बी इक्वल टू फिफ्टीन टेनिस व फिफ्टीन पर सेकेंड और हर्ट्स अब ये वैल्यूज हम सॉल्व करेंगे तो यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया था अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां मैं सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री को सिक्स पॉइंट सिक्स कर लेती हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए नाउ थ्री पॉइंट थ्री दिस विल बी वन पॉइंट जीरो सेवन नाओ मल्टीप्लाइंग वन पॉइंट जीरो सेवन विद वन पॉइंट सिक्स विल बी वन पॉइंट सेवन वन टू इन्टू टेन एच पावर फिफ्टीन डिवाइड बाई थ्री पॉइंट थ्री यहाँ से हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे और अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी करनी है तो हम ऊपर वन पॉइंट सेवन वन टू को लैड कर लेंगे वन पॉइंट सेवन वन वन पॉइंट सेवन वन इंटू टेन एच पावर फिफ्टीन डिवाइड बाई थ्री पॉइंट थ्री ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा थ्री पे वन पॉइंट वन एंड ज़ीरो पॉइंट फाइव सेवन ना फिफ्टी सेवन डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू टेन डिवाइड बाई इलेवन इंटू टेन एच पावर फिफ्टीन फिफ्टी सेवन डिवाइड बाई इलेवन इंटू टेन एच टू पावर फोटीन हर्ट्स इसको डिवाइड कर लेंगे फिफ्टी सेवन को इलेवन से यहाँ से आ गया न्यू नोट विल बी फाइव पॉइंट वन एट इंटू टेन एज टू पावर फोर्टीन हर्ट्स और इसको हम लिख सकते हैं नियरली फाइव पॉइंट टू जीरो इंटू टेन एज टू पावर फोर्टीन हर्ट्स तो ये हमारी आ गई मिनिमम फ्रिक्वेंसी और थ्रेश फ्रिक्वेंसी नाउ लेट्स गो फॉर सेकेंड पार्ट नाउ इन सेकेंड पार्ट हमें क्या गिवन है स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है जीरो पॉइंट सिक्स जीरो वोल्ट जीरो पॉइंट सिक्स जीरो वोल्ट और हमें क्या कैलकुलेट करना है ऑफ इंसिडेंट लाइट इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट किसके इक्वल होता है कनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विथ वेव फंक्शन जिसको हम डिनोट करते हैं फाइव से इन टर्म्स ऑफ स्टेपिंग पोटेंशियल जो हमारी कैनैटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो इक्वल होती है ई e इंटू वी एस वेयर वी एस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू ई वी एस प्लस फाइव इज ईक्ल टू एच न्यू ई वी एस प्लस फाइव हम एच न्यू को क्या लिख सकते हैं एच सी बाई लैमडा क्योंकि हमने लैमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इक्वल टू ई वी एस प्लस फाइव तो यहाँ से हमारी लैमडा की क्या वैल्यू आ जाएगी लैमडा विल बी एच सी डिवाइड बाई ई वी एस प्लस फाइव इस फॉर्मूले में हम अपनी सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैमडा तो अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे एच इज सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड इंटू सीज थ्री इंटू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई ईज़ वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें गिवन है जीरो पॉइंट सिक्स जीरो वोल्ट प्लस टू पॉइंट वन फोर इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एच माइनस नाइनटीन जूर तो यहाँ से क्या आ जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू थ्री इंटू टेन एच टू पावर माइनस थर्टी फोर प्लस एट इट विल बी माइनस ट्वेंटी सिक्स डिवाइड बाई वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन माइनस नाइनटीन कॉमन आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स प्लस टू पॉइंट वन फोर इसको मैं लाइड करी सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू थ्री डिवाइड बाय वन पॉइंट सिक्स यहाँ से क्या आ गया टेन एच पावर माइनस ट्वेंटी सिक्स रेटम ऊपर चली जाएगी देन माइनस ट्वेंटी सिक्स प्लस नाइन्टीन इट विल बी माइनस सेवन टू पॉइंट फोर देन नाइन पॉइंट नाइन डिवाइड बाय टू पॉइंट सेवन फोर इंटू जीरो पॉइंट एट अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे नाइन पॉइंट नाइन इंटू टेन एच टू पावर माइनस सेवन डिवाइड बाई टू पॉइंट वन नाइन टू और इसको मैं क्या लेट कर सकती हूँ नाइन पॉइंट नाइन डिवाइड बाई टू पॉइंट टू इंटू टेन एच टू पावर माइनस सेवन देन फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर माइनस सेवन मीटर तो हमारी वेवलेंथ आ गई फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन एच टू और इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मीटर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड बाय माइनस टू तो यहाँ से आ गया फोर फिफ्टी इंटू टेन पावर माइनस नाइन मीटर और फोर फिफ्टी न्यूटन मीटर आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अगर इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अपना डाउट कमेंट सेक्शन में शेयर करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू